सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। अगर आप भी रोहित शर्मा के दोहरे शतक से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रहा दूसरा टेस्ट मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पहले दिन के खेल से ही भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीकी टीम पर अपना दबदबा बनाए रखा था। पहले दिन के खेल में भारतीय टीम ने जब टॉस जीता तो कप्तान विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ी महज 10 रन बनाकर ही पवेलियन की तरफ लौट चुके थे। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा भी महज 0 के स्कोर पर आउट हो गए तो वहीं विराट कोहली भी महज 12 रनों पर अंपायर की गलती की वजह से अपना विकेट गवा बैठे। इसके बाद रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने साथ मिलकर जो साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ किया उनकी तो शायद साउथ अफ्रीकी टीम ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने जहां शतकीय पारी खेली तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने भी अब दूसरे दिन के खेल में शतक ठोककर इतिहास रच दिया है। लेकिन दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रहे इस तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में असली रोमांच तो आया रोहित शर्मा की दोहरी शतकीय पारी को देखने में। आपको बता दें कि दूसरे दिन के खेल में रोहित शर्मा ने वह करके दिखाया जो कि भारत की तरफ से बेहद ही कम बल्लेबाज अब तक कर पाए हैं। शर्मा ने साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ अपना दोहरा शतक जड़कर सिर्फ रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है बल्कि साउथ अफ्रीकी टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। आपको बता दें कि इस दोहरी शतकीय पारी तक पहुंचने के लिए रोहित शर्मा ने 249 गेंदों का संघर्ष किया। लेकिन उससे भी ज्यादा रोमांचक बात तो यह रही कि सब इस बात की अपेक्षा कर रहे थे कि लंच से पहले ही रोहित शर्मा का दोहरा शतक पूरा हो जाएगा। रोहित शर्मा 199 पर थे और जब ही लंच हो गया, जिसके बाद रोहित शर्मा जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो वह काफी ज्यादा प्रेशर में दिख रहे थे। लेकिन उन्होंने सबकी गलत फहमी को दूर किया पारी के 88वें ओवर की पहली गेंद पर। दोस्तों, आपको बता दें कि 88वें ओवर को डाल रहे थे लुंगी एनगीडी और इसी ओवर की पहली गेंद पर एक छक्का जड़कर रोहित शर्मा ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा के दोहरा शतक पूरा करते ही जैसे सारे स्टेडियम में बस रोहित रोहित का नाम ही गूंजने लगा। कप्तान विराट कोहली से लेकर भारतीय स्टैंड में बैठे हर एक खिलाड़ी, हर एक फैन व कोच तक ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। रोहित शर्मा ने अपने करियर का भले ही यह पहला दोहरा शतक जड़ा हो लेकिन सबके लिए यह उससे भी ज्यादा खास है क्योंकि रोहित शर्मा भारतीय टेस्ट टीम का 2013 से हिस्सा थे। लेकिन अब जिस तरीके से वह बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं और उन्हें ओपनर की भूमिका दी गई है उसके बाद तो उन्होंने अपनी छवि ही बदल कर रख दी है। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जोरदार पारी के अंदर रोहित शर्मा ने 28 चौके तो वहीं 5 छक्के भी जड़े। दोहरा शतक जड़ने के बाद इसी ओवर में आगे चलकर रोहित शर्मा ने एक और छक्का जड़ा और सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद फिर अगले ही ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा कैच आउट भी हो गए थे और उनकी पारी 212 रनों पर समाप्त होकर रह गई। लेकिन दोस्तों, जिस अंदाज में रोहित शर्मा ने यह दोहरी शतकीय पारी खेली है वह वाकई में काबिले तारीफ है। सालों के बाद अब उन्हें पहली बार भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करने का मौका दिया गया और नतीजा आप सभी के सामने है। पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने 2 शतक जड़े थे और तीसरे टेस्ट मैच में तो दोहरा शतक ही जड़ दिया है। भारत के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक बन गए जिन्होंने टेस्ट में दोहरा शतक जड़ा है। रोहित शर्मा की इस दोहरी शतकीय पारी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पहले दिन के खेल में जहां रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया था तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने अब दूसरे दिन के खेल में यह कारनामा करके दिखाया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे ने अपना शतक जड़कर एक बार फिर से इतिहास रचा है। बता दें कि रहाणे के टेस्ट करियर का अब तक का यह 11वां शतक हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस शतक तक पहुंचने के लिए दूसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल से अजिंक्य रहाणे ने अब तक 169 गेंदों का संघर्षपूर्ण सामना किया। इस दौरान एक समय भी ऐसा नहीं आया जब अजिंक्य रहाणे के कदम साउथ अफ्रीकी टीम के तेज तर्रार गेंदबाजों के सामने डगमगाए हों। यह बात भी अलग है कि अजिंक्य रहाणे ने 58 के एक धीमे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी लेकिन उन्होंने 169 गेंदों में अपने 101 रन पूरे कर लिए। साथ ही इस दौरान अजिंक्य रहाणे ने अपनी पारी में 15 चौके तो वहीं एक छक्का भी जड़ा था। दोस्तों, आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे के लिए एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से रहाणे की फॉर्म उतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं थी लेकिन यह सीरीज जैसे पूरी तरीके से रहाणे के हक में रही है। वह भारतीय टीम के उपकप्तान है और उन्होंने यह शतक जड़कर एक बार फिर से सबको इस बात का एहसास दिला दिया है। इसी के साथ साथ एक और खुशखबरी तो यह है कि रोहित शर्मा ने अपने 150 रन भी इस मुकाबले में पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि इस शिखर तक पहुंचने के लिए रोहित शर्मा को 197 गेंदों का सामना करना पड़ा। उससे भी ज्यादा बेहतरीन बात तो यह है कि रोहित शर्मा इस दौरान 70 या 75 के स्ट्राइक रेट से ही बल्लेबाजी करते हुए दिखे। उन्होंने अपनी पारी में 23 चौके तो वहीं 4 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। अब दोस्तों, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी के लिए 150 रन लगाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। रोहित शर्मा केवल भारत के नहीं बल्कि विश्व के सबसे बेहतरीन ओपनर खिलाड़ियों में से एक जो माने जाते हैं। खैर दोस्तों, दूसरे दिन के खेल में कुछ इसी तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला। आपको बता दें कि भारतीय टीम
टीम की लीड अब 300 के पार जा चुकी है, विकेट भी काफी कम गिरे हैं। ऐसे में यह बात तो तय है कि भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीकी टीम को 500 या उससे ज्यादा रनों की लीड बड़ी आसानी से देगी। अब यह देखना काफी ज्यादा रोमांचक रहेगा कि साउथ अफ्रीकी टीम किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों पर अपना पलटवार करती है। सो फिलहाल तो रोहित शर्मा व अजिंक्य रहाणे की यह तूफानी जोड़ी ही मैदान में खूब धमाल मचा रही है, और वह पल भी दूर नहीं जब रोहित शर्मा अपने नाम अपना दोहरा शतक जल्दी इस टेस्ट में करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ इस बार अजिंक्य रहाणे के पास भी मौका रहेगा कि वह अपनी शतकीय पारी को 150 या फिर 200 रनों की पारी में तब्दील कर सके। लेकिन अब यह देखना होगा कि किस तरीके से यह दोनों ही बल्लेबाज अपने आप को मैदान पर बनाए रखेंगे, अपनी पारी को और ज्यादा किस तरीके से भुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, अजिंक्य रहाणे व रोहित शर्मा की इतनी तूफानी बल्लेबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि पहले दिन का खेल पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा था। भारतीय टीम ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के बलबूते पर 224 रन बना दिए 3 विकेट खोकर। अब भारतीय टीम एक बार फिर से उसी मजबूत स्थिति में आ चुकी है जहां वह साउथ अफ्रीकी टीम को पहली इनिंग्स में ही 500 या 600 रनों की लीड दे सकती है, जिसके लिए अब दूसरे दिन का खेल भी शुरू हो चुका है। और अगर आप इस दूसरे दिन के खेल को लाइव देखना चाहते हैं तो आप हॉटस्टार के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनल्स पर विजिट कर सकते हैं 9:30 के बाद। दोस्तों, चलिए फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं पहले दिन के खेल पर। आपको बता दें कि टॉस जीता और कप्तान विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। अग्रवाल जो कि इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, वह 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा तो बिना खाता खोले ही पवेलियन की तरफ चल दिए, तो वहीं विराट कोहली तो अपनी खराब किस्मत की वजह से अपना विकेट 12 रनों पर गंवाना पड़ गया, जिसके बाद बल्लेबाजी का सारा दारोमदार संभाला रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन का खेल खत्म होने तक फिर उसके बाद भारतीय टीम का कोई और विकेट नहीं गिरा। इन दोनों खिलाड़ियों ने साथ मिलकर न सिर्फ अपने आप को क्रीज पर सेट किया बल्कि भारतीय टीम के लिए एक बेहद ही मजबूत व लंबी पार्टनरशिप जुटाई। अगर बात करें अजिंक्य रहाणे की, तो उन्होंने भी अर्धशतकीय पारी खेली। 35 गेंदों का सामना करके अजिंक्य रहाणे फिलहाल 83 रन बना चुके हैं। वहीं अगर रोहित शर्मा की बात करी जाए तो उनकी बल्लेबाजी के तो क्या ही कहने। टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ही रोहित शर्मा ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के बलबूते पर न सिर्फ शतक जड़ा बल्कि भारतीय टीम के स्कोर को 200 के पार भी पहुंचा दिया। इस शतक के साथ रोहित शर्मा ने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उनके टेस्ट करियर का यह 6ठा शतक है और इस टेस्ट सीरीज का 3रा शतक भी। ठीक है, स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने 164 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 117 रन लगा लिए हैं। इस दौरान रोहित शर्मा ने 14 चौके तो वहीं 4 छक्के भी जड़े। दोस्तों, सबकी नजर रहेंगी रोहित शर्मा पर क्योंकि तीसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है और देखना होगा कि रोहित शर्मा इस शतक को दोहरे शतक में तब्दील कर पाएंगे या फिर नहीं। रोहित शर्मा के पास दूसरे दिन के खेल में ऐसा करने का भरपूर मौका होगा क्योंकि विराट कोहली भी चाहेंगे कि वह अपना दोहरा शतक जरूर पूरा करे। खैर दोस्तों, यह है भारतीय क्रिकेट टीम की स्थिति तीसरे टेस्ट मैच में जो कि पूरी तरीके से मजबूत नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि दूसरे दिन के खेल में साउथ अफ्रीकी टीम के गेंदबाज पलटवार कर पाते हैं या फिर नहीं। गौरतलब है कि रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरने के बावजूद भी भारतीय टीम के पास कई बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं। यह बात तो तय हो जाती है कि भारतीय टीम ना चाहकर भी साउथ अफ्रीकी टीम को एक बड़ी लीड तो बड़ी आसानी से देगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या दूसरे दिन के खेल में रोहित शर्मा अपना दोहरा शतक पूरा कर पाएंगे या नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि न सिर्फ रोहित शर्मा ने एक शतकीय पारी खेली बल्कि अपने टेस्ट क्रिकेट में शतक के साथ साथ 6 शतक भी पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि महज 127 गेंदों का सामना करके रोहित शर्मा ने 80 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी और पहले तो अपने शतक को पूरा किया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में खेले जा रहे इस तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में केवल रोहित शर्मा ने अच्छी ही बल्लेबाजी नहीं करके दिखाई बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि इस पहले दिन के खेल में ही रोहित शर्मा ने शतक जड़कर अपने करियर का 6ठा टेस्ट शतक अपने नाम किया है। अपने आप में एक मिसाल है क्योंकि जब से बतौर ओपनर रोहित शर्मा को टीम में शामिल किया गया है तब से वह शतक पे शतक ही जड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, रोहित शर्मा ने कुछ ऐसे नायाब रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं जो कि आज तक इतिहास में कोई भी नहीं कर पाया है। इस टेस्ट सीरीज में अब तक 3रा टेस्ट खेला जा रहा है लेकिन इस टेस्ट सीरीज में अभी 4 दिन का खेल बाकी है और इससे पहले ही रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है एक सीरीज के अंदर। दोस्तों, रोहित शर्मा ने इस सीरीज में कुल 17 छक्के जड़े हैं। आज तक कोई भी खिलाड़ी एक टेस्ट सीरीज में इकलौता इतने ज्यादा छक्के नहीं जड़ पाया है। इससे पहले हेटमायर के नाम पर यह रिकॉर्ड था जिन्होंने 15 छक्के एक टेस्ट सीरीज में जड़े थे और अभी तो आने वाले 4 दिन भी बाकी है। दोस्तों, केवल यही नहीं, रोहित शर्मा ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है और वह इकलौते मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाना। आपको बता दें कि सीरीज के पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने अकेले ही 13 छक्के जड़ डाले और आज तक इतिहास में ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं हुआ जिसने एक टेस्ट मैच में इतने ज्यादा छक्के जड़े हों। दोस्तों,
बात चाहे कुछ भी हो, रोहित शर्मा ने जब से बतौर ओपनर टेस्ट टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली है तब से वह शतक पे शतक और छक्के जड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी बल्लेबाजी भी और ज्यादा बेहतरीन हो गई है, तो यह कहना तो गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा अब ओपनर के तौर पर तो पक्के हो चुके हैं। सबको इंतजार है उनके दोहरे शतक का। आप सभी को क्या लगता है, क्या वह इस मुकाबले में दोहरा शतक जड़ पाएंगे या नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दिन का खेल खत्म होने तक रोहित शर्मा ने 164 गेंदों का